हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कैंपस एक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक स्पेशल स्टैक डिज़ाइन करना और उसको कोड करेंगे जावा में खुद से सब कुछ, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट दिस स्पेशल स्टैक इज। सो आवर प्रॉब्लम इज कि वी हैव टू डिज़ाइन अ स्टैक दैट सपोर्ट्स गेट मिन फंक्शन इन ओ ऑफ वन टाइम एंड ओ ऑफ वन स्पेस, ठीक है। सो वी हैव टू डिज़ाइन अ स्टैक जो उस स्टैक का मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करे इन ओ ऑफ वन टाइम। Now, can you pause the video and think of a solution? So, what I'm going to do, देखिए, O of one time में कुछ भी करने के लिए, what we have to do is keep the thing ready to cook, basically. So, हम लोग क्या करेंगे, जब stack में elements push होंगे, तब हम लोग उसका minimum element रख लेंगे. So, we are going to check every time के अगर वो current stack के minimum element से कम है तो हम लोग मिनिमम एलिमेंट अपडेट कर देंगे। और ये गेट मिन फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली उस मिनिमम को उठाएगा और यूजर को दे देगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू डिजाइन अ क्लास स्पेशल स्टैक बोल के, और बाय द वे ये स्पेशल स्टैक हम लिंक लिस्ट से बना रहे हैं, एरे से भी बना सकते थे, बट साइज कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, साइज बढ़ाओ अगर एरे फिल हो गया तो लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। And we are going to have one more attribute, the minimum attribute, जो stack के current minimum को store करेगा, ठीक है, stack के elements में से minimum element को store करके रखेगा। Now if you think, अगर stack खाली होगा तो ये minimum element क्या होगा, we are going to initialize it to a very big number, suppose 989989, ऐसे, ठीक है। और methods क्या क्या होंगे, नॉर्मल मेथड्स, पुश एंड पॉप। नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, स्टैक के पुश मेथड में क्या होगा, सो दिस इंटीजर इज कमिंग, वो हम लोग लिंक लिस्ट के पीछे ऐड कर देंगे। और फिर हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो इंटीजर आ रहा है, इफ दैट इज लेसर देन द करंट मिनिमम, स्टैक में जो अभी भी मिनिमम है उससे कम है, तो वी आर गोइंग टू अपडेट दिस मिनिमम। और फिर पॉप में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द लास्ट एलिमेंट एंड यूजर को देना पड़ेगा, बट बिफोर गिविंग द एलिमेंट टू यूजर हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट आ रहा है वो मिनिमम है क्या, इज द लास्ट एलिमेंट द मिनिमम। इन दैट केस हम लोग को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा स्टैक का मिनिमम, ठीक है। सो पॉप का दो काम होगा, एक तो निकाल के देगा और फिर चेक करेगा कि अगर जो निकला है वो मिनिमम है तो हम लोग को पूरा स्टैक में से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा मिनिमम। और फिर गेट मिन फंक्शन तो होगा ही, जो ये मिनिमम को उठा के यूजर को देगा। और एक और फंक्शन हम लोग रख लेते हैं, विच इज़ द इज एम्प्टी फंक्शन। जावा के स्टैक्स में जो बिल्ट इन स्टैक्स है उसमें हम लोगों ने बहुत बार देखा ये मेथड। सो दैट्स इट, लेट्स गो टू द कोडिंग सेक्शन नाउ। सो हियर आई एम एट द इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट हैव सम एट्रीब्यूट्स, लेट्स डिफाइन द एट्रीब्यूट्स। अब इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग के एट्रीब्यूट्स में लिंक लिस्ट भी है, सो वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट द लिंक लिस्ट फ्रॉम हियर, जो यूटिल पैकेज में होता है। अब हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। बाय द वे, ये स्टैक हम लोग इंटीजर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, वरना मिनिमम ऑपरेशन तो नहीं होगा। और एक और चीज़, वी हैव टू कीप इट प्राइवेट, ताकि कोई भी बाहर का इसको एक्सेस ना कर पाए। और एक और एलिमेंट होगा, एट्रीब्यूट होगा, विच इज़ द मिनिमम, विच शुड बी इंटीजर, ओके। एक काम करते हैं, लिंक लिस्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज ना करके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं। सो इट विल बी ll.ll इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और फिर मिनिमम को हम लोग जीरो से नहीं, किसी बड़े नंबर से हम लोग इनिशियलाइज करें। सो हियर्स ए कन्वीनियंट वे, हम लोग 999999 लिखने की जगह ये लिख सकते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ये क्या करेगा, इंटीजर जो मैक्स वैल्यू सपोर्ट करते हैं हमारे मशीन पे, उस मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। अब हम लोग एक स्केलेटन बना लेते हैं हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर का। ये स्टैक है तो पुश और पॉप मेथड्स तो होंगे ही, सो वी आर गोइंग टू कीप अ पब्लिक मेथड फॉर पुशिंग, जो एक इंटीजर लेगा, और इस एलिमेंट का नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट टू पुश। बाय द वे, मैं यहाँ पे कैमल केस ही यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यूज़ होता है नॉर्मली जावा में।
और फिर वी विल हैव अ पॉप मेथड, वी विल ऑल्सो अभी के लिए पॉप में रिटर्न जीरो कर देते हैं. वी आर गोइंग टू हैव गेट मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है एक्चुअली, जिसके लिए पेशेंट बना है. अभी के लिए हम लोग इसको जीरो कर देते हैं रिटर्न. और फिर हम लोग करेंगे इज एम्प्टी फंक्शन, और ये बूलियन रिटर्न करेगा. अब हम लोग एक एक करके ये बना लेते हैं, पुश, पॉप, गेट मेन और इज एम्प्टी. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज के ऑब्जेक्ट को तो पुश करेंगे ही, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एल डॉट एड ऑब्जेक्ट डॉट पुश, ऑब्जेक्ट टू पुश. और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ ये जो ऑब्जेक्ट पुश आ रहा है वो अगर मिनिमम से कम हुआ, सो वी आर गोइंग टू अपडेट द मिनिमम. सॉरी पाइथन नहीं है, जावा है. मिनिमम विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू पुश, ठीक है. नाउ जब हम लोग पॉप कर रहे हैं, सो हम लोग एक इंटीजर बना लेते हैं ऑब्जेक्ट टू पॉप, ठीक है. व्हाट विल बी दिस, इट विल बी एलएल डॉट लास्ट एलिमेंट, राइट. एलएल डॉट गेट, एलएल डॉट साइज माइनस वन. सो दिस इज हाउ वी विल गेट द लास्ट एलिमेंट, साइज माइनस वन मतलब लास्ट एलिमेंट. और फिर हम लोग को लिस्ट से रिमूव भी तो करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट रिमूव द लास्ट एलिमेंट. अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इफ जो ऑब्जेक्ट टू पॉप आ रहा है, निकल रहा है, इफ दैट इज इक्वल टू द मिनिमम, हमने मिनिमम को निकाला, इन दैट केस वी हैव टू रिकैलकुलेट द मिनिमम, राइट. इन दैट केस वी हैव टू रिकैलकुलेट द मिनिमम. बट हम लोगों ने अभी तक ये फंक्शन बनाया नहीं है, उससे पहले पॉप का काम खत्म कर लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू पॉप. फिर हम लोग इस रिकैलकुलेट टू मिनिमम को बना लेते हैं, विच विल बी लेट्स से अ प्राइवेट मेथड, क्योंकि कोई बाहर का यूज नहीं कर सकता. वॉयड रिकैलकुलेट मिनिमम, ये कुछ लेगा भी नहीं, बस मिनिमम रिकैलकुलेट करेगा. सो व्हाट इट विल डू, सो ये चेक करेगा. सो इट विल डू मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट इन मैक्स वैल्यू. सो मैक्स वैल्यू से इंटीजर नहीं, जो मिनिमम, ये मिनिमम तो इनवैलिड हो जाएगा जो है, जब हम लोग इसको निकाल लेंगे, पॉप कर लेंगे. सो इन दैट केस हम लोग मिनिमम को एक इनिशियलाइज कर लेते हैं मैक्स वैल्यू से एक बार. और फिर वी आर गोइंग टू राइट दिस एनहैंस्ड फॉर, जो इस लिंक लिस्ट पे लूप करेगा, सॉरी. और फिर चेक करेगा कि इफ दिस आइटम इज लेसर देन मिनिमम, मिनिमम इक्वल टू आइटम, एंड दैट्स इट, दैट विल कैलकुलेट योर मिनिमम एलिमेंट इन द होल स्टैक, ठीक है. नाउ लेट्स फिनिश दिस गेट मिन मेथड. इसमें क्या होगा, इट विल रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट, और कुछ नहीं, बेसिकली यही. और इज एम्प्टी मेथड, when will this stack be empty, it will be empty only when the linked list is empty, right. So it will return ll dot is empty, and that's it. This is our data structure. We are going to make another class jo is stack ko test karne ke liye ho, which whose name will be test stack, theek hai. और मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेता हूँ. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैक, कुछ इनपुट देंगे और फिर आउटपुट लेंगे. सो दीज आर आवर इनपुट्स टू द स्टैक. मैंने यहाँ पे स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पुश कर दिया, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेस्ट कि हमारा स्टैक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा गेट मेन फंक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. सो वी आर गोइंग टू डू दिस. हम लोग पहले स्टैक का जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद दो वैल्यू हमने निकाल दिया. सो इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 आना चाहिए जब ये स्टेटमेंट रन होगा. फिर हमने दो चीज़ें पॉप कर ली, सो ये दोनों हट जाएगा. फिर जब गेट मिन कैलकुलेट होगा तो इन पांचों में से मिनिमम कैलकुलेट होगा, विच इज़ 5, ठीक है. सो यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए. फिर हम लोग एक एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, सो वी आर लेफ्ट विद दीज गाइज. और फिर हम लोग जब गेट मिनिमम कॉल करेंगे, सो 5 विल
be the answer. So the answers will be 2, 5 and 5. So, and let's check. यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम 2, 2, 2, तो कहाँ पे गलती हुआ? अच्छा, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 0 को निकाल रहे हैं, विच विल नॉट बी द केस, विच विल बी, हम लोग को निकालना कौन सा है, रिमूव कौन सा करना है? लास्ट वाला, हम लोग पहला वाला रिमूव कर रहे थे, सो बग था, सॉरी गाइस. या सो वी हैव गॉट आवर आंसर 2, 5, 5. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. दैट्स हाउ यू डिज़ाइन अ स्टैक, या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही डिज़ाइन करते हो जावा में. So thank you for watching. I'll meet you in the next video.